2019 में राहुल गांधी ने ये हथियार दे दिया था, चौकीदार चोर है। देखिए विपक्ष जो है हताशा का शिकार है, निराशा का शिकार है। यादव बात पर आपने राजनीति किया, आपको पूरा यादव आपका परिवार दिखा। हम मोदी के परिवार, यहाँ सारे लोग मोदी के परिवार के। लालू यादव जी का किस परिवार के होंगे? चारा परिवार के होंगे। भाषा में संयमित होना चाहिए। हम लोग तो नहीं मानते कि हम लोग मोदी के परिवार। भारतीय राजनीति में चुनावी दौर में अक्सर बयानबाजी नेताओं की तेज हो जाती है और ऐसे में आने वाले चुनाव पर भी इसका असर देखा जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन नेताओं की जो जुबानी जंग है वो शुरू हो चुकी है। बीते दिनों लालू प्रसाद यादव ने पटना के रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर जुबानी हमला बोला, उनके परिवार पर भी निजी हमले किए। हालांकि इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में तेलंगाना में जवाब दिया है। सबसे पहले हम इस जगह को के बारे में आपको बता दें कि ये बनारस की मशहूर पप्पू की अड़ी है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पिया था। यहां पर मौजूद हैं बहुत सारे लोग, प्रोफेसर हैं, इसके अलावा राजनीति क्षेत्र से भी आने वाले लोग हैं और बिहार से भी आने वाले लोग हैं। तो हम जाने का भी प्रयास यहां पर करेंगे, यहां पर जानने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से 2019 लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष द्वारा किए गए चौकीदार चोर के हमले का असर पड़ा था, क्या 2024 में भी पड़ेगा। पहले हम सबकी तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि देखिए ये लोग बैठे हैं, राजनीतिक चर्चा जारी है। प्रोफेसर साहब ये हमारे साथ जुड़े हैं, लालू प्रसाद यादव ने बिहार से जो कुछ भी कहा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जवाब दे दिया, जनता 2024 में जवाब दे रही है। देखिए विपक्ष जो है हताशा का शिकार है, निराशा का शिकार है, बुद्धिहीनता का शिकार है, अवसाद और पागलपन का शिकार है। मोदी जैसे राजनीतिक व्यक्ति से जो राजनीति का कण कण जानता है उसको तुम अपना जो है खुद हथियार दे दे रहे हो। 2019 में राहुल गांधी ने ये हथियार दे दिया था, चौकीदार चोर है। मोदी जी ने सकारात्मक रूप से चौकीदार पर लेकर के चुनाव जीत रहे। 2024 में भी ठीक उसका वही हुआ है। लालू प्रसाद यादव तो मोहबड़ आदमी है, बोलने का तमीज नहीं है उनको, उनको न परिवार का मतलब है, न संस्कार का मतलब है, न संस्कृति का मतलब है। वो प्रधानमंत्री पर कटाक्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करेंगे तो उसका जवाब प्रधानमंत्री ने दे करके पूरे देश को हिलोरे में रख दिया। हम मोदी के परिवार, यहाँ सारे लोग मोदी के परिवार के हैं। जब पूरा देश मोदी के परिवार का हो जाएगा तो लालू यादव जी का किस परिवार के होंगे? चारा परिवार के होंगे। जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन लेने के परिवार के होंगे, घोटाले के परिवार के होंगे, किस परिवार के होंगे? यह 2024 का जो चुनाव है सर, बहुत साफ बात है, कोई चुनाव नहीं है, एक तरफा चुनाव है। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, ऐसे नहीं दिया, फीडबैक के आधार पर दिया। 400 पार होगा कि नहीं होगा भारत की सम्मानित जनता जानेगी, लेकिन इतना तो तय है कि 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को मिलने जा रहा है। और 2/3 बहुमत के बाद 2024 से 2029 में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता 29 तक। ये बहुत साफ बात है। बात करेंगे केंद्रीय मंत्री हो, इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उन पर किए गए इस हमले को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी लालू प्रसाद यादव ने ये बयान दिया, क्या लगता है देश की जनता क्या जवाब देगी? नहीं, देश की जनता क्या जवाब देगी समय बताएगा, लेकिन एक चीज गलत है कि कभी भी जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है किसी के लिए भी, वो भाषा का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। ये राजनीति में आजकल हमने देखा बहुत लोग करते हैं, लालू यादव तो कर ही दिए, लेकिन इसके अलावा ये लोग करते हैं। भाषा में संयमित होना चाहिए लोगों को, क्योंकि राजनीतिक में जितनी भाषा गिरेगी उतना एक माहौल खराब होता जाएगा। संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, इन्होंने कह दिया है। सर आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको कि अलग अलग राज्यों में उसका असर क्या पड़ेगा, क्योंकि अभी से ही मैं हूं मोदी परिवार कैंपेन चल पड़ा है। अयोग्य संतान का पिता हमेशा अपने पुत्र को अपने संरक्षण में रखना चाहता है और ये हमेशा चाहता है कि उसका पुत्र उसी रास्ते पर चले जिस पर वो चला है। योग्य पिता अपने पुत्र को ऊंची उड़ान के लिए छोड़ देता है, उसे सहयोग देता है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं, तुम जो चाहो करो। जो अयोग्य है, क्योंकि लालू प्रसाद ने घोटाला बाज करके राजनीति करके वही उनका धंधा रहा, उन्होंने अपने संतान को स्थापित करने के लिए सब कुछ करने के प्रयास में हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक वो जीवित हैं तब तक वो अपने संतान के बल हैं, उसके बाद उनकी संतान को अपनी योग्यता साबित करनी होगी। अभी तक लालू प्रसाद का नाम है, जैसे
अखिलेश यादव मुलायम सिंह के नाम पर हुए थे, अपने बल पर आए तो जमीन दिखाई दे रहा है, वैसे ही उनके संतान को दिखा, अभी उनके पिता हैं। इसलिए लालू हर वो चीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि लालू अपने परिवार से अलग, यादववाद पर आपने राजनीति किया, आपको पूरा यादव आपका परिवार दिखा। मोदी ने इस देश को बताया कि राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, अगर हम सनातन की दृष्टि देखें तो राजा हैं, तो राजा की पूरी प्रजा संतान है, और मोदी ने देश को अपनी संतान की तरह माना है, और वो चीज़ वो देख रहे हैं, इसलिए हर कोई मोदी का परिवार है। बिल्कुल, अपने अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया है। तेलंगाना की रैली में उन्होंने कहा है कि वह 140 करोड़ को अपना परिवार मानते हैं, और उनके बच्चों को सपनों को पूरा करने के लिए वो लगे, उनका कोई निजी ख्वाब नहीं है। हालांकि इसको लेकर जो एक कैंपेन सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक निकल पड़ा है, उसका भी असर आप देख रहे हैं। अलग अलग लोग हमसे मिल रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। कल आपने सुना होगा कि जो कुछ भी बिहार के पटना से लेकर तेलंगाना तक चल रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, एक कैंपेन चल पड़ा है, आप भी इस कैंपेन का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है उसका पूरा देश होता है, लेकिन कथनी और कर्मी कर्म जो है जब एक समान हो तो लगता है कि हाँ भाई, इस आदमी की सोच के अनुसार पूरा काम हो रहा है, लेकिन जगह जगह आप देखेंगे तो ये दिखाई नहीं देता। अब रह गया जनता को फैसला करना है कि वो क्या करती है। जनता जनार्दन को फैसला करना, ये ठीक है, आपने बोल दिया, लेकिन क्या किसी के परिवार पर, जबकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने परिवार से ही हटकर राजनीति में वो आए? प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि मेरे परिवार का कोई नहीं है, लेकिन उनके दल में तमाम लोग ऐसे भरे हैं जो नीचे से ऊपर तक परिवारवाद से ग्रसित हैं। और आज देश का दुर्भाग्य है कि करीब करीब सारे दल जो परिवारवाद से ग्रसित है, परिवारवाद से ग्रसित है, ये तो बात सही है, परिवार आप कुछ नहीं बोलेंगे, परिवारवाद से ग्रसित है, ये बात तो सही है। लेकिन तेलंगाना में जो उन्होंने जवाब दिया और पटना में लालू प्रसाद यादव ने जो कहा वो उचित है? देखिए, लालू यादव जन नेता हैं और उनका लड़का उनसे भी बड़ा जन नेता है, और लालू यादव ने करके दिखाया है, और मोदी जी तो वैसे ही है। जब मोदी जी अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने भाई बंधु को छोड़ दिए, 80 करोड़ इस देश की जनता को उन्होंने भिखमंगा बना दिया, तो ये कैसे हम लोग उनके परिवार के हो गए? हम लोग तो नहीं मानते कि हम लोग मोदी के परिवार के हैं। परिवार का आप नहीं मानते? नहीं मानते हैं। लेकिन इस प्रकार से ये कहना कि आपने, लालू प्रसाद यादव एक बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने 70 के दशक में एक बड़ी राजनीति की है, उस समय राजनीति की है जिस समय वो विपक्ष की भूमिका में रहे, तो आपको क्या लगता है ऐसा बयान देना? बिल्कुल देना चाहिए भाई, मोदी से लड़ने के लिए आपको जो कुछ भी कर सकते हैं करना चाहिए, और मोदी से बड़ा फ्रॉड हमें नहीं लगता है कि एशिया में कोई मिलेगा। चलिए, आपने अपनी बातें कही, उनका जवाब हम इनसे लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में मर्यादा जरूर। देखिए, एक लाइन हम कहना चाहते हैं, 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है करके मोदी को बहुमत दिला दिया, 2024 में लालू प्रसाद यादव ने मोदी का कोई परिवार नहीं, मोदी हिंदू नहीं है, मोदी की माता जी मर गई तो उन्होंने बाल नहीं छिलवाया, कब दाढ़ी नहीं छिलवाया, ये कह करके 2024 का चुनाव फिर मोदी के थाली में लालू प्रसाद यादव ने परोस दिया। मैं लालू प्रसाद यादव को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एकाक बार और इसी तरह बोल दीजिए ताकि 400 पार हो ही जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति के ज्ञाता प्रोफेसर साहब अपनी बातों को रख रहे थे, समीर जी हमारे साथ जुड़े, हम आपको बता दें कि बिहार से रहने वाले हैं, इसके अलावा वाराणसी पर्यटन क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये बताइए, आपने सुना होगा जो कुछ भी लालू प्रसाद यादव ने कहा, क्या लगता है आपको कहना चाहिए? देखिए, राजनीति में अभी से नहीं, मोदी जी के ऊपर लोग आज 24 साल पहले भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं, और जैसे जैसे कहते जा रहे हैं उनका ग्राफ गिरता जाता है, मोदी जी का ग्राफ उठता जाता है। इससे पहले भी उनको किसी पार्टी की अध्यक्षा ने कहा था मौत का सौदागर, कहाँ वो साफ हो गए उस राज्य से, आज तक उस राज्य में पहुंच नहीं पाए। चौकीदार चोर है हुआ, उसके बाद पता ही चल गया कि चौकीदार देश का असली कौन है और चोर कौन है। इसी तरह ये अब इस तरह की राजनीति लालू यादव को समझ लेना चाहिए कि वो पिछड़ा जमाना नहीं रह गया, वो खत्म हो चुका है जमाना, लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और देश आगे बढ़ रहा है, और देश के साथ लोग हैं, और मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, मोदी जी के साथ पूरा देश है। आप भी हैं मोदी जी के परिवार के सदस्य? मोदी जी के परिवार के सदस्य 140 करोड़ की जनता है, मोदी जी के साथ पूरा देश है।
मोदी जी के साथ पूरा देश है। आप कहाँ से हैं मैडम? बॉम्बे से। बॉम्बे से हैं। राजनीति पर कुछ चर्चा करना चाहेंगी? नहीं, आपने सुना पटना में जो कुछ भी लालू प्रसाद यादव ने कहा, क्या लगता है आपको, एक राजनीतिक भाषा है ये? मुझे ऐसे लगता है कि पक्ष और विपक्ष हर कंट्री के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष अधूरा है। तो सवाल है कि आप ऐसी बयानबाजी करके विपक्ष को ही कमज़ोर कर रहे हैं, आप अपनी लड़ाई को ही कमज़ोर कर रहे हैं, 2019 में यही कहा था। मेरे ख्याल से हमारे कुछ नेता हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं, डेमोक्रेसी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें लगता है कि ये स्वतंत्र भारत है तो हम कुछ भी कह सकते हैं, और जो मन में आए वो कह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात कर रहे हैं तो हम इसके भी पक्षधर हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या किसी पार्टी के नेता हो, राजनीति में एक भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। मनोज जी हमारे साथ हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात कर चुके हैं, आपको तो पहले ही अपने परिवार का सदस्य बता चुके हैं, सुना आपने जो कुछ भी पटना में हुआ, क्या लगता है ऐसी भाषा होनी चाहिए? ऐसी भाषा नहीं होना चाहिए, हम मोदी के परिवार के हैं, मोदी के परिवार के रहेंगे। लालू यादव तो बड़े नेता हैं, एक उनके पास एक लंबा अनुभव है, लेकिन इस प्रकार लोग को ऐसी बेवकूफी कारण पना बोलना है, बोल करके और मोदी जी को और आगे बढ़ाना है। जी आपका कहना यह है कि इसके बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनको लाभ पहुंचने वाला, ऐसे में हमने हर वक्त के लोगों से यहां पर बातचीत की। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।